नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण और 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के इस महासंग्राम के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पहले और दूसरे चरण की 113 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। भाजपा ने अब तक 107, कांग्रेस ने 125, समाजवादी पार्टी ने 36 और इसके अलावा बसपा ने 104 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तमाम अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अब देखना यही है कि आखिर आने वाले वक्त में जनता किसे चुनती है। तो बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। अब ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस सीट से कौन से प्रत्याशियों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। हालांकि जाति समीकरण को समझने की कोशिश करें तो इस वक्त यह दावा किया जा रहा है कि जो नुकसान फिलहाल भारतीय भाजपा को देखने को मिल रही थी, अब इसमें कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिला और अंत में जाकर अब भाजपा ने भी पूरी कोशिश की कि इस कमी को अब पूरा किया जाए और सोच समझकर बड़े चेहरों को सीट पर उतारा गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शामली से समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन ने सरेंडर कर दिया है। कैराना कोर्ट में नाहिद हसन ने सरेंडर किया है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे विधायक नाहिद हसन। इसके अलावा आपको जानकारी दे तो नाहिद हसन को कैराना विधानसभा से सपा ने घोषित किया है प्रत्याशी। हालांकि फिलहाल उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कैराना कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शामली से आ रही है, समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने सरेंडर कर दिया है। कैराना कोर्ट में नाहिद हसन ने सरेंडर किया है। तो आपको जानकारी दे कि चारों तरफ जो है वो फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। कैराना कोर्ट के आमने और सामने अगर हम बात करें तो यहां पर तमाम जो जवान है उन्हें तैनात कर दिया गया, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। शामली से बड़ी खबर, सपा विधायक नाहिद हसन ने सरेंडर कर दिया है। कैराना कोर्ट में नाहिद हसन ने सरेंडर किया है। इसके अलावा आपको जानकारी दे तो गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे विधायक नाहिद हसन। कैराना कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि ये उन्होंने सरेंडर किया है। हालांकि उन्हें प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। कैराना कोर्ट में नाहिद हसन जी हाँ, गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे विधायक नाहिद हसन और नाहिद को कैराना विधानसभा से सपा ने प्रत्याशी जो है वो घोषित किया है। कैराना कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नाहिद हसन जो कि फरार चल रहे थे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरुण पवार जुड़े हुए। वरुण, क्या कुछ अपडेट है? जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा जो है अब 15 दिन की कस्टडी रिमांड पर
बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो अब उन्हें प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अब ये सोची समझी एक चाल भी देखने को मिल रही है कि ऐलान के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया है। काफी दिनों से जो केराना से जाता विधायक है, लगातार वहां से फरार चल रहे थे, करीब 1.5 साल से वो केराना कस्बे में नहीं आ रहे थे। अचानक से आज वो केराना में अपने पैतृक आवास पर पहुंचते हैं और जैसे ही उसकी सूचना उसके समर्थकों को लगती है, पुलिस को लगती है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। समाजवादी पार्टी के द्वारा 2 दिन पूर्व उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। नाहिद हसन 2 बार से केराना से विधायक है, एक बार तो जब 2014 के लोकसभा के चुनाव में हुकुम सिंह के द्वारा जब सीट खाली की गई थी तो चुनाव में नाहिद हसन जीते थे। उसके बाद 2017 में नाहिद हसन ने हुकुम सिंह की पुत्री मृगांका सिंह को चुनाव हराया था और वर्तमान स्थिति में भी जो है नाहिद हसन लोकतंत्र से टैक्स होने के बाद में बेहद मजबूत उम्मीदवार जो है यहाँ नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सहानुभूति के लिए भी जो है वो हो सकता है कि उन्होंने खुद को आज पुलिस के सामने किया। पूर्व में हालांकि जो है नाहिद हसन के द्वारा कई बार हाईकोर्ट में प्रयास किया गया अग्रिम जमानत लेने का प्रयास, लेकिन अग्रिम जमानत नाहिद हसन की नहीं हो पाई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो हमने आपको बताया किस तरीके से तमाम तैयारियां हो रही हैं। अब डिबेट क्यों रुक करते हैं, हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने प्रत्याशियों का ऐलान और किस किस सीटों से किया गया था। अब आपको बताते हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कौन कौन सी सीटों पर कौन से प्रत्याशियों पर भरोसा जुटाया है। ये आप देख पा रहे हैं, विधानसभा की सीटें आपके सामने, प्रत्याशियों के नाम आपके सामने, हर पार्टी वे भी जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके तमाम जो जानकारी है वो ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है। साहिबाबाद से आप देखिए अमरपाल समाजवादी पार्टी से है, धौलाना की अगर हम बात कर ले तो असलम चौधरी, कोल से सलमान सईद, अलीगढ़ से सफर आलम और केराना से नाहिद हसन जो कि फरार चल रहे थे, चौड़तावल से पंकज मलिक, किठोर से शाहिद मंजूर, मेरठ से रफीक अंसारी और आगरा कैंट से भी आप देखना आपने देखा। विधानसभा की अगर हम बात करें देखिए मोदीनगर, हापुड़, जेवर, बुलंदशहर, सेना से इन तमाम नामों का ऐलान कर दिया गया है। खैर शामली, पुरखाजी, खतौली और नहदोर से इन तमाम लोगों का जो कि आरएलडी पार्टी से जो है से ताल्लुक रखते हैं उनका ऐलान किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता है वो दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि अगर जनता किससे चुनती है। डिबेट की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त आरपी राजन जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, रफत फातिमा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी और आरके मिश्रा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आरके मिश्रा जी शुरुआत आपसे करते हैं, लिस्ट का ऐलान हो गया लेकिन बड़ी बात यह कि जो जाति समीकरण साधने की कोशिश आप कर रहे हैं क्या वो आप साध पाएंगे? आरके मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें। जी बोले। हाँ तो मैं कह रहा था जिस तरह से लिस्ट आज की घोषणा हुई है, निश्चित तौर पर आप इस चीज को जरूर देखेंगे। जब अगर और पार्टियों की अपेक्षा अगर हमारी लिस्ट अगर देखें तो मैं हम लोग सबसे पहले जब समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना से जब उम्मीदवार बनाया था तो हमने प्रश्न चिन्ह लगाया था, हमने उसके ऊपर में प्रश्न उठाया था। आज वही चीज अगर आप देख लें तो जो समाजवादी पार्टी की जो रीति और नीति रही है, जिस तरह से माफियाओं को संरक्षण किस तरह से दिया जाता था, ये सारी बातें अब उजागर हो रही है। अब देखिए इनका एक ही था जो कि इनको ना विकास से मतलब था। आज अगर हमने देखा है तो विकास को जिस तरह से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर हो, उसको हमने बचाने का काम किया है। चाहे अगर आपने देखे अगर भूमाफिया हो तो उसके उसके से जो भी राजनीतिक संरक्षण था उससे वापस किया गया, लेकर के जो भूमि उन्होंने अधिग्रहण करके रखा हुआ था उसको भी हमने लेकर के वापस आ उसके ऊपर में गरीबों के लिए हमने जो है घर बनाने का काम किया। अगर आप देखें तो निश्चित तौर भ्रष्टाचारियों के ऊपर में जिस तरह से हमने लगाम कसा है, अगर पिछले सरकार बीएसपी और एसपी की तुलना कर दें तो निश्चित तौर पर आपको फर्क नजर आ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज का परिप्रेक्ष्य तो बिल्कुल दिखा रहा है जो समाजवादी पार्टी का किस तरह से रीति और नीति है। रह गई बात आपकी जाति जनगणना की बात है तो देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज अगर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें चंद्रशेखर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अखिलेश यादव जी को उन्होंने कहा कि भाई मैं इस तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं, उनका अपना एक एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा है। तो जहां पर इस तरह की बातें हैं जो कि उनको साथ अगर उनके डेप्थ अगर गहराई में जाएंगे तो उनकी रीति और नीति पता चल रही है और उसमें दलित
जहां पे उनके साथ है नहीं है। आज भी देखेंगे तो भाजपा के साथ दलित भी है, ओबीसी भी है, ब्राह्मण भी है, फॉरवर्ड कास्ट भी है, सब है हमारे नहीं, साथ। नहीं नहीं, देखिए आप तो कह रहे हैं कि आपके साथ तमाम खास के लोग हैं, लेकिन कौन किसके साथ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो आपकी पार्टी के मुख्य बड़े बड़े नेता थे जब वो पार्टी छोड़ रहे थे, उनकी तरफ से तो ये जिक्र किया जा रहा है कि दलितों का शोषण आपने किया है, आपने जो शोषित वर्ग है उनका आपने शुरुआत से उनकी बातें नहीं सुनी है, जो आपकी पार्टी के नेता है उनको आपने मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का। तो अगर कहीं ना कहीं जब इतने बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं तो फिर आप चुनाव जीतेंगे तो कैसे? सचिन जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं सोच भी रहा था जो कि आप इस तरह के प्रश्न करें और मैं इसका स्वागत करता हूं। बात यह है, अगर आप देखेंगे जो कि 5 साल तक, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, 5 साल तक आपने मलाई खाई, 5 साल तक आपने पूरी तरह से सरकारी सुरक्षा लिए, आपने सरकारी जो भी योजना है उसका लाभ लिया, सरकारी सुरक्षा ली, सब कुछ लिया। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले आज अगर हम देखेंगे, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कल तो बहुत उछल उछल करके पता नहीं क्या क्या वो कह रहे थे, बीजेपी को मिटा देना है, क्या क्या नहीं करना है, अगर उनका 6 तारीख का अगर ट्वीट देख लें तो आपको पता चल जाएगा जो कि वो किस तरह के नेता हैं और किस तरह के दल बदलू नेता हैं। एक जगह स्थिर रहने वाले ये नेता नहीं है, जनता को इसी चीज को तो समझना है। अगर कोई भी नेता आचार संहिता से पहले अगर ये कर लेते, अगर आप कैबिनेट में बैठ करके अगर उस तरह की बातें या डिस्कस कर लेते जिस कैबिनेट के आप मंत्री थे, आपके ऊपर में जिम्मेदारियां थी, तो समझ सकता था जो कि हाँ सचमुच में आप संवेदनशील है। बहरहाल आपका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अपने विभाग में काम नहीं किया, डर था कि टिकट कट जाएगा इसलिए उन्होंने पार्टी बदल ली। आप ही परिपेक्ष तो यही कह रहा है, परिपेक्ष तो जी ठीक है, ठीक है। राजन भाई आप ये बताइए, देखिए मान लीजिए कि आपके साथ एक बड़ा वर्ग जुड़ रहा है, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आपके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जो विश्वास कायम था कि एक मौर्य समाज जो कि प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर मौर्य साहब आपके पास आ रहे हैं तो वो समाज कैसे आपके साथ जुड़ेगा, वो वोट बैंक कैसे आपके साथ जुड़ेगा, क्या रणनीति है आपकी? देखिए पहली चीज मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं मित्र, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने 2-3 सवाल खड़े किए हैं, जरा मैं उन पर भी गौर प्रकाश डालना चाहूंगा जी। अभी आपने कहा कि ये दल बदलू हैं, दल बदल नेता हैं, जब यही सबसे बड़ी बात है कि जब सवाल उठता है, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है चाहे ज्योतिरादित्य जी हो चाहे जितिन प्रसाद जी हो, तब सवाल नहीं उठाती भारतीय जनता पार्टी, तब कहती है गेम चेंज कर दिया हमने, ये चेंज ओवर है, गेम चेंज ओवर है एंड टाइम पे। और जब इनके साथ जब आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे तब ये कहां थे, वनवास काट रहे थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे थे। आज भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब उनके पास करीब जाकर के देख लिया कि इनकी क्या स्थिति है, उनको छोड़ रहे हैं, तो आज वो दल बदलू हो गए। तो पहले अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी देखे। दूसरी चीज ये इन्होंने कहा कि मलाई चाटते रहे, आज जो पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में मलाई ही चाटते हैं, मलाई चाटा है, मलाई चटवाने का काम किया है इन्होंने, काम नहीं किया केवल अब इन्होंने मलाई चाटी है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मलाई चाटते, सवाल खड़ा होता है। तो इन लोगों ये लोग तो इसी तरह के हैं, भारत इन्होंने क्या किया है कि मौर्य समाज का वोट लिया और मौर्य समाज को किनारे करने का काम किया, मौर्य समाज को जो डिप्टी सीएम बनाया था स्टूल में बिठाते थे, किनारे डाल दिया, पूरे 5 साल वो प्रयास करते रहे, जो है आदरणीय गृह मंत्री से मिलने का प्रयास करते रहे, 2-2 बार प्रयास किया, गृह मंत्री से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सदन में भी खड़े किए। राजन भाई चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि आप भी दलितों का साथ देंगे नहीं, आप भी पिछड़ों का साथ देंगे नहीं। देखिए ये चंद्रशेखर जी के कहने से नहीं हो जाएगा, चंद्रशेखर जी आए थे और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने जो कहा था उस पर जो बात हो रही थी, 2 सीटों की बात थी, 2 सीटें आरएलडी से बात करके आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, उसके बाद चंद्रशेखर जी ने किसी से बात की फोन पर, फिर फोन पर बात करने के बाद कहा कि हमारा संगठन हमारे खिलाफ है, हम नहीं लड़ेंगे। तो आप बताइए वो फोन पर कौन था, उसके पीछे कौन लोग है, साजिश क्या है? आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज साफ कर दिया है कि अब हम कोई समझौता नहीं करेंगे किसी से, उनसे कोई समझौता नहीं होगा, हमारे साथ जो आ गए हैं जो लोग समाजवादी विचारधारा में आ गए हैं उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छा कोई समझौता हमारा उनसे नहीं होगा। ठीक है फातिमा जी, ठीक है फातिमा जी, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को अगर देखे तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जाति समीकरण को साधने के लिए लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन कांग्रेस एक अलग राह पर चल रही है, महिलाओं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है अगर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी तो जनता आपको चुनेगी?
देखिए कांग्रेस सबको साथ लेके चल रही है, उसमें महिलाओं को सशक्त करने और आधी आबादी को जिन्होंने सम्मान नहीं दिया है, जिन्होंने अब तक सिर्फ बातें करी है और उनका अपमान करा गया है, उसको सशक्त करने और आगे बढ़ाने, उसको भागीदारी देने की एक पहल है। और ये पहल जाहिर है बहुत अच्छा संदेश लेके गई है, तभी महिलाएं हमारी तरफ आ रही हैं और महिलाओं में एक अच्छा संदेश गया है। आज आधी आबादी को जो साइलेंट वोटर समझ रहे थे, जो आधी आबादी की ताकत को नकार रहे थे, आज आधी आबादी ही उनको 2022 में बताएगी कि उनकी ताकत का अंदाजा क्या है। तो ये जो अभी आपने लिस्ट देखी होगी उसमें महिलाओं की संख्या भी गिन लीजिएगा कितनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है इनके यहाँ, ये महिलाओं को उनकी भागीदारी ही नहीं मिल रही है। आज महिलाएं अपने अधिकार के लिए अगर आगे आ रही है तो इसमें बुराई नहीं, हमें लगता है उसका वेलकम करना चाहिए। अब इनकी बात कर ले, जिस तरीके से विकास की अभी बात कर रहे थे, 5 साल में विकास, जनता के हित की कौन बात करेगा, जनता के विकास की कौन बात करेगा, जिन लोगों ने सिर्फ हवा हवाई बातें करी है, जुमलेबाजी करी है। ठीक है, ठीक है फातिमा जी, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट भी अब जारी हो गई है। जी हाँ, आरएलडी के साथ उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो फिलहाल कर दी गई है, आरएलडी के साथ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। अशरफ अली थाना भवन विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुढ़ाना से राजपाल बालियान लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ा ऐलान किया जा रहा है। बेरापुर से चंदन चौहान लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले भी कुछ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, फिलहाल 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मुरादनगर से सुरेंद्र कुमार मुन्नी जो है वो चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर। शिकारपुर से किरण पाल सिंह लड़ेंगे चुनाव, ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बरौली से प्रमोद गौड़ लड़ेंगे चुनाव, एक एक कर आखिर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने किस प्रत्याशी को कहां से उतारा है इसकी लिस्ट और क्या कुछ जानकारी है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। मातिमा जी बात कंप्लीट करें आप। जी अभी हम बता रहे थे ना कि जिस तरीके से विकास की बातें हुई जी, तो जिस पार्टी का एजेंडा ही विकास ना हो वो आज बात कर रहा विकास की, आज जा रहा दलित के घर खाना खाने। वही जब अरुण वाल्मीकि की मौत हुई थी तो उस पर कुछ नहीं बोला गया, उसके घर नहीं जाया गया, तो आज चुनाव आते हैं इनको वाल्मीकि सब जो है दलित भी याद आएंगे, आज इनको महिलाएं भी याद आएंगी, आज इनको बेरोजगारी भी समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ लुभावनी चीजें दिखा के जनता को फिर भटकाने की कोशिश होगी, जिसके एजेंडे में विकास था ही नहीं वो विकास क्या करेगा। आज गड्ढा मुक्त सड़कों की बातें हो रही थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें अभी भी आप देख लीजिए कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है। अभी भी यहाँ से निकल के आप थोड़ी दूर तक जाइए सारे गड्ढे दिख जाएंगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। और जहां तक सपा का सवाल है, वो भी जो है जिस तरीके से उसने ट्विटर सोशल मीडिया पे खेला है, तो जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल मुंह में जमाए हुए थे जब जनता के हालात खराब थे, उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था। अगर कोई विपक्ष में कोई था तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी। अगर किसी ने जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ प्रियंका गांधी। ये बड़ी बात कह रही है फातिमा जी। देखिए विपक्ष में अगर कोई है तो कांग्रेस है। आर के मिश्रा जी विकास की बात कर ली फातिमा जी ने, विकास नहीं हुआ। महिलाओं की बात कर ली, महिलाओं को लिस्ट में से जो संख्या वो सिर्फ 10 है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े आरोप अभी भी भाजपा पर लग रहे हैं कि ना विकास काम हुआ, ना महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ना ही पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। सचिन जी एक होता क्या है कि एक पार्टी जो है मिशन के तहत काम करती है, राजनीति को एक जनसेवा, और एक देखती है जो हमारा कैरियर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बसपा ये कोई भी हो अपना कैरियर देख रही है, क्योंकि हमारा कैरियर कहां है, इसीलिए दल बदल करके इधर से उधर कर। बहुत अच्छी बात है महिलाओं का सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने 40% की बात की, बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आज अगर 2017 से पहले देखें तो 46 बीजेपी ने टिकट दिया था। ये अच्छा आप भी कर दीजिए सर, आर के मिश्रा जी ये अच्छा आप भी कर दीजिए। सचिन जी मैं अभी आ रहा हूँ बस उसी विषय जल्दी से सर, अब समय बिल्कुल जल्दी से ही आ रहा, जल्दी से ही आ। बीजेपी ने 46 टिकट दिए, आज इनको महिलाओं की याद आ गई, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की याद आ गई, फिर आज नहीं, कांग्रेस हमेशा से महिलाओं की बात करती है। आप सुनिए तो सही, पहले सुन लीजिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, महिलाओं की याद आ गई, बोल लेने दीजिए। यहीं पर संसद में ये महिला आरक्षण का विरोध करती है, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे, महिला आरक्षण का विरोध किसने किया जरा सही से मालूम करिए किसने पढ़ा था। नहीं, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, हमें पता है, नहीं मालूम है। माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है,
समय की बहुत कमी है। आरपी राजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फातिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरके मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सुना आपने प्रत्याशियों के नामों के ऐलान अब धीरे धीरे लगातार हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, आखिर जनता किसे चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक, चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी बहस की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार दिखा दें कि किस सीट से कौन से उम्मीदवारों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी, सियादू से कृष्ण प्रसाद मौर्य, नोएडा से पंकज सिंह, सरदना से भी आपने देखा किराना से मृगंका सिंह, मोदीनगर से मंजू सिवाच, आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य, जो कि पहले उत्तराखंड की राज्यपाल रही है उन्हें वापस से बुला लिया गया उत्तर प्रदेश, रामपुर से आकाश सक्सेना, बदायूं से महेश गुप्ता, गुन्नौर से अजीत कुमार, ये वो तमाम सीट है जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। सैबाबाद से आप देखिए सुनील शर्मा, अतरौली से जयवीर सिंह को प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है। तो ये वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिन्हें अलग अलग सीटों से प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली पर रोक की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है, 22 जनवरी तक कोई भी पार्टी नहीं करेगी फिजिकल रैली। जी हां, बढ़ते कोरोना को लेकर राजनीतिक पार्टियों की रैली पर रोक लगा दी गई है, चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली पर रोक की तारीख को बढ़ा दिया गया है, 22 जनवरी तक नहीं कर सकेंगे रैली और रोड शो। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा फैसला लिया गया है जनता की सुरक्षा को देखते हुए, जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी 22 जनवरी तक फिजिकल रैली या रोड शो नहीं करेगी। कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण बढ़ रहे हैं और सावधानी की जरूरत है, इसीलिए इंडिया न्यूज भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें, चेहरे पर मास्क लगाएं, अगर कोई भी आपके रिलेटिव अगर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं तो उन्हें बताएं कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। लेकिन इस बीच में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है और इसीलिए अब सरकार चुनाव आयोग एक एक कर तमाम बड़े फैसले ले रहा है। लेकिन फिलहाल इस बीच में जानकारी दी जा रही है कि 22 जनवरी तक कोई भी फिजिकल रैली या रोड शो नहीं होगी। चुनाव आयोग ने तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया है, यानी कि जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, 22 जनवरी अभी तारीख कर दी गई है, पहले 15 से 16 जनवरी ये तारीख थी। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दें कि वर्चुअली आप कोई भी कार्यक्रम जो है वो रख सकते हैं, लेकिन फिजिकली तौर पर आप कोई भी रैली या रोड शो नहीं कर पाएंगे। ये खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों के लिए आदेश दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। अब फिलहाल आप देखिए कि आरएलडी सपा गठबंधन की पहली लिस्ट जो जारी की गई है उसमें कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी हैं। चौतावल से आप देखिए पंकज मलिक, केठोर से शाहिद मंजूर, मेरठ से रफीक अंसारी, आगरा कैंट से भी आपने देखा ये समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं। अब आरएलडी पार्टी से कौन कौन से प्रत्याशी चुने गए इनकी लिस्ट हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, कांग्रेस ने भी अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है जिसमें प्राथमिकता महिलाओं को दी गई है। लेकिन बड़ी बात है कि जनता किसे चुनती है, आखिर कौन से पार्टी ने जनता के लिए कौन से वर्ग के लिए काम किया है, यह विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए ही आम जनता वोट करेगी। लेकिन अब जो सियासी समीकरण है, ये जो लगातार बदलाव की बयार बह रही है, इसमें आखिर आगे कौन बढ़ेगा, जनता किसे चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। डिबेट की शुरुआत करेंगे थोड़ी देर में, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये सियासी समीकरण, ये राजनीतिक जो सरगर्मियां बढ़ रही हैं, आखिर ये शांत करने की कोशिश कैसे की जाएगी। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त आरपी राजन जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ेंगे और बीजेपी का ही पक्ष रखने के लिए एक प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। फिलहाल राजन भाई, बड़ा सवाल यह है कि लगातार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है एक कर, लेकिन आपको यह विश्वास है कि जनता अगर चुनेगी, जनता के लिए अगर कोई विकल्प है तो वो समाजवादी पार्टी है? देखिए मित्र, स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी ने
जिस तरह से आम जनमानस के लिए काम किए थे और आम जनमानस का भरोसा जीता था 2017 तक, जिस तरह से काम किया था 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो एक विकास का पहिया रुक गया है। एक एक आम जनमानस किस तरह से परेशान हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से गुमराह किया, लोगों को परेशान किया है, आपने बराबर देखा। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी देश में किसानों को किस तरह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि किसान नहीं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। और जब किसानों, बराबर किसान एक साल तक डटे रहे, बाद में इनको 3 कृषि काले कानून बिल वापस लेने पड़े। 700 से 750 लगभग 750 किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए। तो इस तरह ऐसी स्थितियों के बावजूद कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी एक व्यक्ति ने कोई जो है किसानों के प्रति एक संवेदना, एक सिंपैथी, जरा से भी एक शब्द श्रद्धांजलि नहीं निकला शहीद परिवारों के, जो किसान शहीद हो गए उनके प्रति, तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, ये है भारतीय जनता पार्टी का, तो लोगों का विश्वास खोने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार किया है। वो आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी उस आरोप पत्र में के खिलाफ कैसे साबित होती है, आरोप पत्र का जवाब देने की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भाई राजन भाई, आपने कहा कि 17 तक जैसे हमने काम किया है, ठीक है राजन भाई, आपने कहा कि 17 तक जैसा समाजवादी पार्टी ने काम किया है वैसा ही हम आने वाले वक्त में करेंगे। आपने ये खुद अपनी जुबान से कहा, अगर 17 में आपने अच्छा काम किया होता तो क्यों जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले कहा, झूठे लोक लुभावनवादी और झूठी बातें कह करके जो है किस तरह से सत्ता में आई थी, छल प्रपंच करके, वो सब की अब जनता जान चुकी है। जनता चूंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता जान चुकी है। जिस तरह धोखा दिया इन्होंने झूठी बातें करके, इन्होंने कोई काम किया नहीं। उसी 5 साल में केवल समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों का ये फीता काटते रहे, नाम बदलते रहे। 100 के उन्होंने 112 कर दिया, एम्बुलेंस का नाम बदल दिया, समाजवादी एम्बुलेंस बदल दिया, काम तो वही सब चल रहे थे, उन्हीं से चलाना पड़ा इनको। एक स्थिति आई कि एम्बुलेंस के लिए डीजल नहीं दे पा रहे थे, पेट्रोल नहीं दे पा रहे थे, इन्होंने केवल फीता काटा और नाम बदला। एक्सप्रेसवे किसने बनाया, मेट्रो किसने बनाया, हॉस्पिटल किसने बनाया, इन्होंने जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज नाम कर दिया, उसमें भी बहुत बड़ा, जिला अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं होती थी, मेडिकल कॉलेज में कुछ चार्जेस पड़ते हैं, मेडिकल कॉलेज के नाम पर आम जनमानस जो है चार्ज वसूला जा रहा है, बुनियादी सुविधाएं कोई नहीं दी जा रही। ये बड़ा सवाल है। आज सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज ऐसी स्थितियां क्यों आ गई कि जो है नाम बदल करके लूटा जा रहा है पूरे प्रदेश को। जो सिटी स्कैन जिला अस्पताल में 500 रुपए में होता था, वो मेडिकल कॉलेज में 2800 रुपए में, 2500 रुपए में होता है। तो जिले का, जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज करके उस लूटने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, डीएपी खाद आज 2000 की कर दिया इन्होंने, 600 रुपए वाली डीएपी, एक तो उसकी क्वांटिटी घटा दिया, 50 किलो थी उसको 45 किलो कर दिया। तो लूटने का काम केवल इन्होंने किया है। महंगाई कहां है, सरसों का तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर है, पेट्रोल डीजल सब चरम पर त्राही त्राही मची है। ना तो ये दवा दे पाए, ना ये गाड़ी दे पाए, ना आम जनमानस को ये सुविधाएं दे पाए। कोरोना में किस तरह लोग मरे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, आप लाशों के ऊपर से जिन्होंने जो है, तो कह रही है कि सीएम योगी की तारीफ हो रही है। बीजेपी तो ये कह रही है कि सीएम योगी ने जो कार्य किया इस कोरोना काल में, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है, देश नहीं विदेशों में भी तारीफ हो रही है उनकी। वो तो बीबीसी की मीडिया ने, बड़ी बीबीसी ने कवरेज किया था कि इसी प्रयागराज प्रशासन ने लाशों के ऊपर से राम नाम की चादरें हटाने का काम किया। तो झूठी चीजें जो जिस तरह से छिपा करके करते थे, झूठा झूठा हो हल्लाबाजी करते हैं, वो सब दिख गया है। बाबा जी तो भाग गए, भागना था 10 मार्च को, पहले ही गोरखपुर चले गए। पहले कहे हम मथुरा लड़ेंगे, फिर कहे हम अयोध्या लड़ेंगे, फिर कहे अब हम गोरखपुर लड़ेंगे। ये तो हार स्वीकार कर लिए, हार गए हैं, पहले ही गोरखपुर चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही उनको भेज दिया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी ये चौंका रहा है कि किस तरीके से लगातार शुरुआत में एक आगे कि अयोध्या से लड़ेंगे सीएम योगी, लेकिन आप अंत में जाकर गोरखपुर को भेज दिया गया, जो है दुखों का सामना करना पड़े। ठीक है आज जी, लेकिन ऐसे में विपक्ष तो इतना मजबूत हो चुका है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष इस वक्त इतना मजबूत है कि वो आने वाले वक्त में चुनाव जीतेगा, लेकिन सरकार में जो अभी थी वो ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ माफियाओं का राज था, गुंडागर्दी थी, नौकरियों में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी, वहां पर नौकरी उन्हीं को मिलती थी जिनके पास पैसे होते थे।
देखिए बहुत बहुत अच्छा वाजिब सवाल आपने किया है और इंडिया न्यूज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं कहूंगा मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली पर रोक की तारीख जो है वो बढ़ा दी है, 22 जनवरी तक कोई भी पार्टी नहीं करेगी फिजिकल रैली। और हमारे साथ सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि अब 22 जनवरी तारीख ऐलान कर दिया गया जब आप फिजिकल रैली नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तय था, आज सुबह भी आईटीवी ने अपने सोर्सेस के थ्रू चलाया था कि एक हफ्ते की पाबंदी चुनाव आयोग और बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि देश में कोविड के जो केसेस हैं और खासकर इन 5 पोल बाउंड स्टेट्स में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर तेजी से बढ़े हैं। ठीक वैसा ही हुआ, एक हफ्ते तक चुनाव आयोग ने इन पाबंदियों को बढ़ा दिया, यानी 22 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल रैली, पदयात्रा, रोड शो, बाइक शो, इन तमाम जो शोज होते हैं इन पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को थोड़ी सी ढील दी है इंडोर मीटिंग में। इंडोर मीटिंग में अब कैपेसिटी वो 300 लोग तक कर सकते हैं या फिर हॉल की क्षमता का 50%, लेकिन अधिकतम जो लोगों की संख्या होगी वो केवल 300 होगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल 22 जनवरी तक किसी भी प्रकार की फिजिकल रैली, रोड शो, पदयात्रा, बाइक शो नहीं कर पाएंगी। हालांकि इंडोर मीटिंग में संख्या जरूर बढ़ी है और चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को साफ तौर पे कहा है कि जो चुनाव आचार संहिता है इसके अलावा जो कोविड के नियम है उनका पालन करिए। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो अभी कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है, वहां पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई, कार्रवाई करने की बात सामने आई है। तो रैलियां तो लगातार हो रही है, जनता इकट्ठा हो ही रही है, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? आप कल की फिजिकल रैली का जो एक उदाहरण दिया था अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। बोर्ड पर उन्होंने फिजिकल रैली लगा रखी थी लेकिन 2000 से ज्यादा के समर्थक वहां मौजूद थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर आए हुए थे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कठोर कार्रवाई की है, इसको लेकर वहां के जो SHO थे उसको चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। उसके अलावा जो SP हैं उनसे चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है, जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनसे चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी इन दोनों से ही जवाब मांगेगा और ये पूछेगा कि आखिर जब इस तरह की पाबंदियां हैं तो इतनी बड़ी रैली का, जिसको आपने फिजिकल वर्चुअल रैली का आपने नाम दिया था और वहां पर फिजिकल तौर पर इतनी ज्यादा भीड़ जुटाई गई, कोविड नियमों का आपने उल्लंघन किया, ऐसा क्यों किया? और उम्मीद भी यही है कि इसको लेकर चुनाव आयोग एक नोटिस जारी करेगा, तब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस बोर्ड को ध्यान पर देखें तो वहां वर्चुअल रैली लिखा हुआ था लेकिन 2000 से ज्यादा लोग वहां पर जमा हुए थे और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, पुलिस पर तो कार्रवाई कर दी। अब देखना यह होगा कि जिन लोगों ने भीड़ जुटाई, जो लोग वहां आए, क्योंकि 2000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने की बात आ रही है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, और ये समझना होगा तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को भी कि देखिए चुनाव हो रहे हैं लेकिन आपको खुद जाकर ये बताना होगा, चाहे वो वर्चुअली चाहे वो किसी माध्यम से, कि देखिए जो भी समर्थक है वो अपने घरों पर रहे, क्योंकि स्थिति इस वक्त बेहद चिंताजनक है। जी बिल्कुल, ये राजनीतिक पार्टी का दायित्व है और उन्हें बताना होगा। चुनाव आयोग ने जब उन्हें डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी है, जिसका मतलब चुनाव आयोग ने अपनी रिलीज में कहा था कि 5 लोग जो हैं किसी भी पार्टी के वो घरों तक जा सकते हैं, यानी हर पार्टी अपने 5 लोगों को घर डोर टू डोर भेज सकती है। चुनाव आयोग ने कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए पहले ही बहुत ज्यादा लिबर्टी राजनीतिक पार्टियों को दी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कई तरह के मामले आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक मामला लखनऊ का उदाहरण, इसके अलावा गाजियाबाद में कांग्रेस जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया, और अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी के एक विधायक हैं बागेश्वर से, उन्होंने घरों लोगों को जाके अनाज बांटा था, जिसको लेकर भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। तो सभी जो पार्टियां हैं चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद कोविड नियमों का उल्लंघन करती हुई दिख रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग सख्त होने के बाद किस तरह के आदेश पारित करता है, क्योंकि एक नजीर का होना बहुत जरूरी है। अगर नजीर नहीं बनेगी तो कोविड नियमों की इसी तरह से राजनीतिक पार्टी धज्जी उड़ाती रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका तमाम जानकारी के लिए। कथा नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इंडिया न्यूज भी आप सबसे यही अपील करता है कि आप किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना हो, क्योंकि फिलहाल जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और आपको खुद ये समझना होगा, यह आपका भी दायित्व है कि सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आपको भी अपना काम करना होगा, आपको भी सावधानी बरतनी होगी।
तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से तारीखों का जो ऐलान हुआ है, जो तारीखें बढ़ा दी गई हैं, खासतौर पर वर्चुअल रैली आप कर सकते हैं लेकिन आप फिजिकल रैली जो है वो नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से डिबेट की ओर रुख करते हैं। राजन भाई आप अपनी बात पूरी करें। राजन भाई आवाज मिल रही है आपको? राजन भाई आप अनम्यूट करें। जी जी कर रहे हैं। जी 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 आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? जी 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 आपकी बात पूरी करें। जी 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 भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कहा कि हमने जो है नौकरियों में बड़ी पारदर्शी तरीके से भर्तियां की हैं, आपने देखा होगा इसी जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उस शिक्षक भर्ती में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बैक लेना पड़ा। आयोग की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब रिपोर्ट सौंपी अपनी तो उसमें इन्होंने 19,000 लोगों का हक मारने की बात स्वीकार की और मानना पड़ा। फिर से इनको दोबारा कहा कि ठीक है चूक हुई हम उसको सुधार करते हैं। फिर 6,000 भर्ती इन्होंने निकाली, दोबारा भर्तियां इन्होंने करने के लिए प्रक्रिया चालू की बस, और किया नहीं। एक भी भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से नहीं कर पाए। 35,400 कुछ भर्ती है पुलिस की, वो लटकी हुई पड़ी है। नियुक्ति होने के बाद उनको ज्वाइन नहीं दे पा रहे हैं। टीटी का पेपर लीक हुआ है, एसआई का पेपर लीक हुआ है, तो ये तो सब दिख रहा है किस तरह से किए हैं। तो ये बात करते हैं आज इनको याद आ रहा है दलित और बैकवर्ड। जब ये मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, तब इन्होंने गंगा जल से 5 कालिदास मार्ग को धोने का काम किया था। और आपको याद है एक जगह एक जनपद में गए थे, कुछ बच्चे इनके पास चले गए थे योगी जी के पास, तो उन्होंने कहा है खुला ऑन एयर वो विजुअल चला था, समाचार डिबेट भी हुई थी, कहा था मैं योगी से मिलने के बच्चों को डांटा था, कहा ऐसे बच्चों के लिए आते हो साफ सफाई नहीं, साबुन और गंदगी इस तरह साफ इत्र लगा कर किया, प्रशासन ने इत्र बांटा और साबुन दिया, कहा नहा धो के चलिए। किस तरह से वैर भाव करते हैं। आज ये दलित घर खाना खाने जा रहे हैं, उस समय ये दलित को जो है करते हैं कि गंगा जल से धुलते हैं, तो इनका ढोंग अब नहीं चलेगा। लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। राजन भाई देखिए ढोंग देखिए इसीलिए मैं इस बात का बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ढोंग कौन कब कर रहा है और जनता ये समझ रही है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता समझ रही है कि कौन पार्टी किसके लिए कितना काम कर रही है, कौन जाति समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है और कौन जनता के हित में काम कर रही है। तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रजन भाई एक बात बताइए, आपने कहा दलित पिछड़ों के तमाम बड़े नेता आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता को अगर एक विशेष वर्ग को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है तो आखिर वो वोट किस तरीके से खिसके का सर? देखिए कौन सा विशेष वर्ग है जो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करता है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही कहा कि जो है 80% और 20% की बात की, तो जो 80% तो साथ में है ही समाजवादी पार्टी को, 20% जो है योगी के खिलाफ है, तो वो 20% भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, तो 100% लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। हम तो समाजवाद की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, हम तो जो लोग उपेक्षित किए गए पीड़ित किए गए उनकी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, उनके हक और हकूक की बात कर रहे हैं, बाकी तो सर्व समाज की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के पास सभी लोग हैं, आप कह रहे हैं सर्व समाज। 2017 से पहले आपकी सरकार थी और शुरुआत से ही आरोप लगे कि MY समीकरण को आप साथे हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपने प्राथमिकता सिर्फ MY को दिया है। जनता पार्टी की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी ये करती है, समाजवादी पार्टी ये नहीं करती। मित्र में बड़े खुले मन से और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको बता रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है समाजवादी पार्टी नहीं करती, जो है वो फूट डालो राज करो का काम भारतीय जनता पार्टी करती, परिवारों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जातियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये भाजपा का खेल हो सकता है, हमारा नहीं है। हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते। हम तो सर्व समाज को समाजवाद को लेकर चलने की बात करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, छोटे लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो हम इस तरह की जो है फूल डालो राज करने वाली बात नहीं करते, तो भारतीय जनता पार्टी का काम वो भाजपा करती है। राजन भाई देखिए आपने तमाम बड़े नाम ले लिए, आपने तमाम बड़े नाम ले लिए, आपने कहा कि देखिए लोहिया जी की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बड़े ऐसे नेता हैं और कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कि देखिए लोहिया जी की राजनीति, लोहिया जी की विचारधारा और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की विचारधारा में आसमान और जमीन का फर्क है।
नहीं ऐसा ऐसा नहीं है मित्र, आप कैसे कह सकते हैं? आप आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी को, उनके विचारों को जानते हैं, उनके विचारों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा जी को हम लोग छोटे लोहिया के नाम से जिनको लोग जानते थे, तो उस तरह से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके विचारों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। परिवारवाद को बढ़ावा देता है, समाज को परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला जो विचारधारा है वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव वाला है। और जो लोहिया जी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हम समाजवाद को आगे लेकर बढ़ेंगे, ये डिफरेंस बताया जा रहा है कि खास तौर पर जो लोहिया जी की विचारधारा थी, जो उनका काम करने का तरीका था, वो समाजवाद को लेकर आगे बढ़ते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये डिफरेंस है सर। नहीं डियर देखो आप, हाँ सवाल खड़ा होगा, आप परिवारवाद की बात करते हैं, जितने भी लोग समाजवादी पार्टी में हैं, जो भी लोग हैं जनता जनार्दन के द्वारा चुने गए हुए लोग हैं, किसी को ऐसे नहीं कोई वहां खड़ा हो गया है या स्थापित हो गया है, जनता ने चुन कर भेजा है। आदरणीय अखिलेश यादव जनता से चुन करके आए हैं, आदरणीय डिंपल जी भी जनता से चुन करके आए थे, धर्मेंद्र जी भी जनता से चुन करके आए थे। बात तो परिवारवाद की अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो वहां बताइए कौन नहीं, आदरणीय राजनाथ सिंह का परिवार नहीं है कि कल्याण सिंह जी का परिवार नहीं है, किसका परिवार वहां नहीं है कि शास्त्री जी का परिवार नहीं है, पार्टी प्राथमिकता है सर, अनुप्रिया पटेल जी का परिवार नहीं है। रजन भाई मेरी बात सुनिए, देखिए यही तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, हम समाजवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ये कहती है स्वामी प्रसाद मौर्य एक सीधा एग्जाम्पल है। ये बड़े आरोप लगे कि वो अपने बेटे के टिकट की मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुत बहुत वाजिब सवाल है मित्र, बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब 2017 में चुनाव लड़े, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को और माननीय मंत्री जी को दोनों लोगों को टिकट दिया और बहन संगमित्रा जी को भी टिकट दिया, तब इनके लिए परिवारवाद नहीं था। और आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़ों की बात करने के लिए, अपने समाज की बात करने के लिए, हक और हकूक के लिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, तो आज इनको परिवारवाद दिख रहा है। जब ये टिकट देते तो परिवारवाद नहीं, तो सवाल यही खड़ा होता है कि जो कहते हैं ना कोई इनके यहाँ आता तो कहते हमने गेम चेंज कर दिया, चेंज ओवर हो गया, यहाँ से गेम चेंज हो गया, और कोई इनके दल को छोड़ के जाता है कि नीतियों को जान लेता है कि ये किस तरह से जो है धोखा देने का काम करते हैं, तब ये सवाल खड़ा करेंगे वहां तो परिवारवाद है इसलिए चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसलिए नहीं आए, उन्होंने सीधे साफ शब्दों में जो कहा वो आपको ही पता, उनका आपने आरोप पत्र देखा होगा, उनका इस्तीफा आपने देखा होगा, किस तरह से उन्होंने सदन में भी सवाल उठाए वो सदन में रिकॉर्डेड है, उनको देखा जा सकता है, वो कहीं छिपा नहीं है किसी। तो इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहेगी, लेकिन जनता समझ रही है, जहां तक मैं मानता हूं जनता पूरी तरह समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता विदाई कर देने जा रही है। आगामी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक नए विकास का सूर्योदय होगा, नई दिशा का सूर्योदय होगा, विकास का भैया जो रुक गया था वो आगामी 10 मार्च के बिल्कुल देखिए माफी मांगता हूं मैं, देखिए तकनीकी खामी की वजह से बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो जुड़ नहीं पा रहे, उनसे मैं सवाल करता कि परिवारवाद की बात करते हैं जबकि आपकी पार्टी में खुद एक परिवारवाद का जो प्रचलन है वो शुरुआत से ही चला हुआ है, लेकिन फिलहाल आप मौजूद हैं, आपसे ही ये सीधा सवाल करता हूं मैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो बहुत तेजी से हो रहा है वायरल, जहां पर वो ये खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग शोषित वर्ग के लिए कहीं ना कहीं भाजपा ने काम किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो तुरंत सभा में शामिल होते हैं, तो ये दोहरा बर्ताव भी देखने को मिल रहा है। देखिए आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा था वो यही था कि उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने विषम परिस्थितियों में भी अपने मंत्रालय में किस तरीके से जो है समाज के लिए काम किया है, वो उन्होंने जो स्वयं किया था वो अपना काम बता रहे थे, और उनको लगा कि मेरे समाज का ही अहित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी डाका डाल रही है समाज के हितों पर, तो उन्होंने इसीलिए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने जो किया था वो अपनी बात बता रहे थे, जिस तरह से उन्होंने किया वो उस समय दल में थे तो स्वाभाविक दल की तरफ से आएगा, जिस दल में थे सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने अपने विभाग के बारे में बताया, अपने इस्तीफे में भी साफ साफ कहा कि जिस तरीके से हमने विषम परिस्थितियों में भी प्रयास किया और काम करने का एक प्रयास किया, राज्यपाल जी को इस्तीफा दिया, उन्होंने साफ साफ लिखा, उनका इस्तीफा देख लिया जाए, इस सवाल का जवाब उनके इस्तीफा में ही साफ साफ मिल जाएगा, आपको मिल गया, मैंने बता दिया, जनता जान रही है, जनता समझ रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, वो वही करेगी जो उन्हें अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजन भाई, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बड़ी मुखरता से आपने अपनी बात रखी और बड़ी सादगी के साथ अपनी बात रखी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता आने वाले वक्त में किसे चुनेगी, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझती है कौन सी पार्टी ने, किस व्यक्ति ने, किस जनप्रतिनिधि ने उनके लिए काम किया है। एक ब्रेक।